माताजी परी भाभी ने दीपिका शोएब को दी मैरिज के लिए विशेस। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं, बहुत सारा प्यार है और मैं यही कहूंगी उन दोनों को कि जिस तरह से आज तक एक दूसरे की ताकत बन के खड़े रहे हो, दुख सुख में हमेशा तकलीफ में जो तुम दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया है, वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि गुड फ्रेंड्स कैन बिकम लाइफ पार्टनर्स एंड बेटर लाइफ पार्टनर्स। कभी खुशी कभी गम, जल्द ही हो रहा है शो ससुराल सिमर ऑफ एयर। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि जब जो होगा तब सबको पता चल जाएगा, आपको भी और हमको भी, बट ये है कि हमें आपसे बहुत 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 प्यार मिला और उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं, और शो रहेगा तो भी शुक्रगुजार रहेंगे आपके इतने प्यार के लिए, और अगर नहीं रहेगा तो आपने जितना प्यार दिया उसके शुक्रगुजार रहेंगे, और जो होगा वो तो सबको पता चल ही जाएगा। माता जी की आंखों से छलक पड़े आंसू। टेली टॉप अप में आज हमारे साथ हैं सीरियल ससुराल सिमर का की माता जी और परी भाभी, जिन्होंने दिए अपने खास विशेस सीरियल की पहली सिमर यानी दीपिका और शोएब की शादी के लिए। शोएब, दीपिका, मेरे प्रेम और सिमर, आप बहुत खुश रहें, एक दूसरे का साथ दें, और ये जो नया अध्याय आपने कहा कि किताब में एक नया पन्ना जुड़ने जा रहा है, वो बहुत सुनहरा हो और बहुत खूबसूरत हो। दीपिका इज अ वेरी ब्यूटिफुल पर्सन बाय हार्ट ऑल्सो एंड बाय फेस ऑल्सो, और शोएब इतना ही प्यारा है। दोनों के साथ इतने कम समय तक काम किया है शोएब के साथ, दीपिका के साथ थोड़ा ज़्यादा समय तक काम किया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बोथ मेक अ वेरी क्यूट कपल। और अब जब उस रिलेशनशिप को अंजाम देने जा रहे हैं, जैसे माताजी ने कहा, एक नया अध्याय जोड़ने जा रहे हैं, बहुत ही खुशी की बात है। ऐसे बहुत कम कपल्स होते हैं जो एक्चुअल में अपने रिलेशनशिप को आगे ले जाकर शादी भी करते हैं और उसे निभाते भी है, तो हमारी तरफ से पूरे ससुराल सिमरका के परिवार की तरफ से उन लोगों को बहुत बहुत गुड विशेज। मे दे लीड अ वेरी हैप्पी लाइफ, वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ, गुड लाइफ। वह एक तरफ जहां दोनों हैं बेहद खुश, तो वहीं दूसरी तरफ दोनों की आंखें नम हैं, जिसके पीछे का रीजन है उनके शो ससुराल सिमर का से जुड़ी ऑफर जाने की न्यूज। माताजी और परी भाभी ने जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए खोले अपने दिल के राज और शेयर किए अपनी इस शो से जुड़ी ना भूलने वाली मेमोरीज। मैं तो थोड़ी तरह डिनायल में हूँ क्योंकि 7 साल के बाद ऐसा तीसरी बार हो रहा है कि हमें ये सुनने को मिला कि हमारा शो ख़त्म होने वाला है। पहली बार जब हुआ था तो हमें पूरा विश्वास था कि नहीं होगा, और ऐसा हुआ भी नहीं। फिर जब दूसरी बार 19 सितंबर को 2017 में ख़त्म होने वाला था, तो दिन में एक बड़ा मलाल रह गया था कि अरे यार, हमारे तो कुछ ही एपिसोड रह गए हैं, 2000 एपिसोड पूरे कर लेते। ऐसे मेरे ख्याल से हर किसी के दिल में था, 70 लोग जो यहाँ पर थे, वो हर किसी के दिल में था कि काश 2000 एपिसोड पूरे हो जाते, हम यहाँ तक पहुँच के क्यों रुक जाएँ। और चैनल ने, हमारे प्रोड्यूसर रश्मि जी ने, और पूरे इस 70 लोगों की जो विश थी वो पूरी हुई, कम से कम मेरी तो बहुत बड़ी विश पूरी हुई। इस बात का कि दुख की, मतलब शो ख़त्म होने वाला, ये मुझे इस शो को करके ही पता चला कि कैसा लगता है एक एक्टर को इतने साल एक शो से जुड़े होने के बाद, जब हम ये सोचे कि हम लास्ट शूट करने वाले हैं, जल्दी ही ये शो ख़त्म होने वाला है, कैसा लगता है, मेरे पास उन चीज़ों के लिए वर्ड्स नहीं है। के अंदर जो माता जी है ना, वो दिल में है, जैसे कहा हमने देखा है हमेशा लोगों के भी दिलों में, आपके पर्सनली भी दिल में, कितना मुश्किल होगा माता जी को अपने से दूर कर पाना। नहीं, मुझे लगता नहीं कि माता जी को दिल से दूर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, वो तो मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है अभी। इट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड इट विल ऑलवेज रिमेन सो। मैं बिल्कुल भी अपनी आंखों में आंसू नहीं लाना चाहती थी, लेकिन आपने बार बार ये बात कह के ये मुझे दोबारा जता दिया है। मैं रोज़ इस बात को भूलना चाहती हूँ जब तक वो आखिरी दिन नहीं हो जाता, लेकिन ये बार मैं डिनायल में हूँ, मैं अभी तक नहीं इसको एक्सेप्ट कर पाई कि ये ख़त्म होगा। और ख़त्म होने के शायद कुछ दिनों बाद मुझे धक्का लगेगा कि मैं अब इस यूनिट में नहीं आऊँगी, इस गली में नहीं बैठूँगी, बाप का माल टेबल पे नहीं बैठूँगी, आप लोगों से नहीं मिलूँगी, रोज़ रोज़ नहीं मिलूँगी, मिलना तो ज़रूर होगा, लेकिन रोज़ जो एक दिनचर्या बन गई थी कि उठो और घर से निकलो और टोल नाका पे आओ और फिर यहाँ पर आओ कि भैया यहाँ से राइट लेना, अब यहाँ से लेफ्ट लेना, वहाँ पर एक बड़ा गेट आएगा, वहाँ हॉर्न बजाना, अच्छा गाड़ी थोड़ी पीछे करना क्योंकि दरवाज़ा बाहर खुलता है, अच्छा थोड़ा सा लेफ्ट लेना, यहाँ पर आना, इन सीढ़ियों पर आना, अपने 4th नंबर मेकअप रूम में जाना, फिर मेकअप करना, फिर सेट पर आना, सबको गुड मॉर्निंग करके माता रानी के मंदिर में जाकर
उनसे कहना कि आप बहुत प्यारी हैं और आप मेरे दिल में बसती हैं, और जो ये सब, ये पूरा जो एक रिचुअल मेरा रोज़ का होता था 7 सालों का, इंटू 365 दिन आप मिला लीजिए, कि वो जब नहीं रहेगा तो बहुत खाली लगेगा। वीडियो जर्नलिस्ट हरेंद्र शर्मा के साथ हरिकृष्ण दुबे, जूम, मुंबई। For all the garma garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.